का एनालिसिस करना है, तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप सभी पर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सैटर्न से मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंगल लाइन की हॉटलाइन है, सिंगल लाइन की हॉटलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे ही लोगों की पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर आपकी हॉटलाइन भले ही सिंगल लाइन से बनी हुई है, लेकिन लगातार ये टूट टूट के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जिस भी एज में आपकी हॉटलाइन टूटती है, उस उम्र में आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं। हॉटलाइन आपकी उंगलियों के तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रही है। हॉटलाइन का उंगलियों के तरफ शिफ्ट हो जाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ जाती है, और जैसे ही इसके गुणों में कमी आई, ये आपके जीवन में समस्याओं को बढ़ावा दे देता है। कठिनाई बढ़ जाती है किसी भी काम को करने के लिए, या किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको दूसरों की तुलना में मेहनत अधिक लगती है और समय भी अधिक देना होता है, यानी जीवन कठिन अधिक हो जाता है। स्टार्टिंग की लाइफ यदि युवावस्था की बात की जाए तो वो संघर्ष में ही बीतता है, सफलता आपको देरी से मिलती है। जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत कम मिला है। जुपिटर के माउंट का काम होता है आपकी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना, यानी कि आपकी फैमिली लाइफ को अच्छा करना और आपकी मैरिज लाइफ को अच्छा करना। और जब यही माउंट सही से वर्क करता हुआ दिखाई ना दे हथेली में, यानी इसको क्षेत्रफल बहुत कम मिला हो, ये आपकी पर्सनल लाइफ को अच्छा नहीं रहने देता। कई तरह की समस्याएं होती हैं, झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और इन लोगों को दूसरों की फैमिली को जब ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए बाहर निकले किसी की फैमिली को उन्होंने देखा, तो इनके मन में एक लालसा रह जाती है कि काश मेरी फैमिली भी ऐसी होती, मेरे माता पिता भी ऐसे होते, या मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड भी ऐसे होते। इस तरह की लालसा इन्हें पूरे जीवन लगी रह जाती है। यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको जुपिटर के रेमेडीज करने की आवश्यकता है। बंधन योग चल रहा है। बंधन योग क्या होता है? जब आपके हाथ में माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों आपस में उलझ जाता है, जैसे ही मैंने कहा कि उलझ जाता है, यानी आप खुद भी अपने लाइफ में उलझ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, सही दिशा नहीं मिल पाती है। इसीलिए जब तक बंधन योग हाथ में रहता है, आपको सफलता नहीं मिल पाती है। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत की तुलना में बहुत कम। यह आपके आत्मविश्वास में कमी को पैदा करता है। लेकिन जैसे ही बंधन योग खत्म हुआ, आपकी माइंड लाइन जुपिटर के अमाउंट से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। ये बहुत पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है इसको समझिए। अच्छी बात ये होती है कि जब आपकी माइंड लाइन जुपिटर से इनिशिएट होती है, ऐसे ही लोगों को पता होता है कि इनके अंदर काबिलियत क्या है और किस फील्ड में जाकर के ये अपनी काबिलियत को बेहतर तरीके से निखार के आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर इस दुनिया की बात की जाए, इस वर्ल्ड की हम बात करते हैं, तो 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि भाई करना क्या है जीवन में। और यदि वो फील्ड का चुनाव कर भी लेते हैं तो काफ़ी लंबा समय उस फील्ड के चुनाव करने में ही लग जाता है, और सही डेडिकेशन के साथ उस फील्ड पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए आप रेशियो निकालिए आबादी के तौर पर, तो बहुत कम लोग ही अति सफल हो पाए हैं अपने जीवन में। जुपिटर से आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है, काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। ऐसे लोगों को पता होता है कि इनके अंदर की काबिलियत क्या है, कहाँ इनको जाना चाहिए, किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए, तो वो बहुत सही से आप करते हैं। क्षेत्र का चुनाव बहुत सही करते हैं। सफलता आपको अत्यधिक मिलती है और पूरे जीवन आप जैसे लोग सफल होते रहते हैं, यानी सफलताएं काफ़ी मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अच्छा रहता है, पॉजिटिव सोच होती है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे ही लोग काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं। जो चीज़ें आंखों से दिख रही हैं बस उस पर यकीन करना है, बाकी अनावश्यक बातें, जैसे होता है ना कि इंसान का ध्यान भटकता है, कल्पनाओं में जीते हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ये अगर कल्पनाएं करते भी हैं, सपने देखते भी हैं, तो सिर्फ उसी बातों को लेकर के जो इनके काम के दायरे में आती है। ऐसा नहीं है कि ये मान लीजिए काम कर रहे हैं अभी,
इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हो, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो ये कभी भी ये नहीं सोचेंगे अचानक से कि मुझे कल को अंबानी बन जाना है। इनको पता है कि अभी फ़िलहाल मुझे किस दायरे तक के ख्वाब बुनने हैं, या मुझे अपने आप को किस लेवल तक ले जाना है फ़िलहाल अभी। यानी जितने रिसोर्सेस होते हैं उसी हिसाब से ये सपने देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखते हैं। इसके साथ ही एक तो इन्हें गुस्सा आता नहीं है, और आ जाए तो शांत होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है इनके अंदर, बहुत ज्ञानी होते हैं। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएँ लगभग पूरी हो जाती हैं, और गोलाई में जब भी विनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में खासकर के ये लोग अच्छा नाम कमाते हैं। शाखाएं यदि निकल करके, और सेम देखिए, यदि आप अपने लाइफ लाइन से निकलने वाली शाखा को देखें और इस ब्रांच को देखें, तो दोनों लगभग एक समान है। आपको फॉरेन सेटलमेंट का मौका मिलेगा, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं। और इसके साथ ही एक और चीज़ होगी, या तो फॉरेन सेटलमेंट होगा, यानी विदेश में जाकर के वहीं के होके रह जाएंगे आप परमानेंटली, या फिर बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे आप। किसी को दो, किसी को एक परिणाम हासिल होता है। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है राहु से। 28 के बाद ही ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है, बट अभी भी आपकी लक लाइन अच्छे से मूव होते हुए नहीं दिख रही है, टूट टूट के चल रही है। इस तरह की लक लाइन के साथ अच्छी लाइफ तभी मिलती है जब आप फॉरेन सेटलमेंट ले लेते हैं। स्वदेश में रह करके इस लक लाइन के साथ बहुत ज़्यादा इनकम कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट एक सर्टेन एज के बाद स्टेबल इनकम आपकी होते हुए दिख रही है। ये उम्र क्या होगी, जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो अच्छी खासी सफलता मिलेगी, लेकिन फिलहाल अभी व्यापार के क्षेत्र में जाने, बिज़नेस में करने का कोई करने के बारे में मत सोचिएगा। उसके लिए एक सर्टेन एज है, और उस एज में जब आप जाएंगे तभी आपको मैं बिज़नेस करने की सलाह दूंगी, क्योंकि सनलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, बिज़नेस वाली काफ़ी स्ट्रांग है ये, बट ये आपकी हार्ट लाइन से अटैच्ड होकर के इनिशिएट नहीं हुई है, मिड से हुई है, तो ये देरी से सफलता को व्यक्त करता है, बताता है कि आपको सफलता मिल रही है बट वो देरी से मिल रही है। तो कब आप यदि बिज़नेस करना चाहते हैं तो कब आपको इस क्षेत्र की तरफ आना चाहिए, इस वजह एनालिसिस के माध्यम से आपको लास्ट में जाकर के मैं बता दूंगी। जिन लोगों के हाथ में मर्क्यूरी के माउंट पे एक या दो स्ट्रांग लाइन होती है, ऐसे लोगों का इनकम ओल्ड एज में ज़्यादा अच्छा होता है यंग एज की तुलना में। यानी जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाती है, आपके सफलता का दर बढ़ता जाता है, और इनकम के कई सोर्स आपके ओपन होने लगते हैं। फॉरेन के कई ट्रिप आपके लगेंगे, विदेश जाने के कई मौके आपको मिलेंगे। आप क्या करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यदि आप प्राइवेट जॉब में होंगे तो फॉरेन जाने के मौके आपको मिलेंगे, और क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के साइन तो काफ़ी वीक हैं आपके हाथ में, बट प्राइवेट जॉब के साइन काफ़ी स्ट्रांग हैं, और बिज़नेस के साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो कब आपको बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, बस आपको थोड़े वक्त के बाद पता चल जाएगा। अभी देखिए क्या प्रॉब्लम हुई है, कि इन सभी पर्वतों को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रहा है। तो ये सही मायने में, जैसी आपकी काबिलियत है, जिस तरह की आपकी सोच है, जैसा आपका हाथ है, ऐसे आपके हाथ में बहुत ज़्यादा समस्याओं वाला हाथ में इसको नहीं कह सकती, क्योंकि राहु की लाइंस के कट कम हैं, ना के बराबर है, मिनिमम है, और प्रोग्रेसिव हैंड है, लगातार आपकी लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। ऑफशूट्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी प्रोग्रेस बहुत है। ये सफलता आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, यानी 28 से पहले या 30 से पहले, बट अभी भी उस लेवल की सफलता आपको नहीं मिल पाई है, ठीक है। ये चेंज कब आएगा ये मुझे देखना, अगर आ गया है तो ऑलरेडी आप उस पायदान पे पहुंच चुके हैं जहां सफलता आपको बड़ी मिलने जा रही है, मिल चुकी है। अगर आप यहां तक नहीं पहुंचे हैं तब देखते हैं कब पहुंचेंगे, पहले साइन वगैरह देख लेते हैं, या एक काम करते हैं पहले अमाउंट्स वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद साइन देखेंगे, और उसके बाद
इज वाइज एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। ये नमाज काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग है, शानदार है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा और लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ झांक रहा होता है, स्ट्रांग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं अच्छी खासी सफलता पाते हैं। मून माउंट आपको पीछे की तरफ हल्का सा भी ढलान लेता हुआ दिखाई दे, ऐसे या लोगों को सफलता देरी से मिलती है। आउटर मास काफ़ी अच्छा है, शानदार है, बहुत अच्छा है, ऊर्जावान है आप, निर्भीक हैं, निडर हैं। और अच्छी बात क्या है कि आपके अंदर थकावट ना के बराबर आपको महसूस होती है। काम कोई भी हो, अगर आप करने के लिए बैठते हैं जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो जाता आप वहाँ से उठना पसंद नहीं करते हैं। और आपके अंदर इस तरह की बनावट भी आपको भगवान ने प्रदान की है, इस यूनिवर्स ने दी है कि थकावट आपको महसूस नहीं होती है। और दूसरों की तुलना में यदि आप 2-12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे भी काम करें तब भी आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस नहीं है। यानी इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है और शारीरिक क्षमता जिसे कहते हैं एक अच्छी बनावट बॉडी की, वो आपके पास है। तो हाथ तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी आपके अंदर ऊर्जा काफ़ी रहती है तो दूसरों की तुलना में ऐसे लोग सफलता अपने आप बहुत ज़्यादा पा लेते हैं। तो सफलता तो अच्छी खासी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है, देरी हुई है तो हार्ट लाइन की वजह से और मेनली इस माउंट्स की वजह से। सटर का माउंट फ्लैट है, भले स्पेस कम मिला है लेकिन फ्लैट है, तो ये आपको आलसी नहीं बल्कि फुर्तीला बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। इस पे साइन होंगी लेकिन इस साइन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं, इस वजह एनालिसिस कर लेते हैं ताकि ये समझ में आए परिवर्तन आ चुका है या आने वाला है, मुझे ये जानना है पहले। सेवनटीन में कोई ना कोई चेंज आया, ट्वेंटी में, नाइनटीन एंड हाफ में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है और उसके बाद 21 में चेंज आया। 21 में जो चेंज आया उसी पर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्वेंटी थ्री में या तो रिश्ता तय हुआ या कोई ना कोई इश्यूज। 23 ये 29 में आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। ट्वेंटी नाइन, 30, 31, 32, 29, 30, 31 और ये 32 के आसपास लगातार ऑफशूट्स बन रहे हैं। 31 एंड हाफ, 32 के आसपास जो ऑफशूट है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो खुशियाँ आपको ठीक ठाक मिलती हुई दिख रही। बट वो जो चेंज है जिसका जिक्र मैंने किया है वो फिलहाल नहीं आया है, अब वो कब आएगा आगे हमें पता चलेगा। एक चेंज आता हुआ दिख रहा है 37 में, ये बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सफलता 37 में मिलती हुई आपको दिख रही है। 38 एंड हाफ, जीवन को एक नई दिशा मिल रही है और ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। 38 एंड हाफ, 39 के आसपास बहुत बड़ा चेंज हुआ है ये। जब आपकी लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होती है तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। इस उम्र में कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिली, इस बात को ये बताता है। और इतना ही नहीं, इससे पहले आपकी स्टेटस जो भी है, जितनी भी कमाई आप कर पा रहे हैं उससे कहीं बेहतर स्टेटस की तरफ आप मूव करते हुए दिख रहे हैं। ये चेंज या तो जॉब में बहुत बड़ा प्रमोशन मिलना या बहुत या जॉब आपने चेंज किया, किसी नई कंपनी में आपने ज्वाइन किया या कोई नई जॉब आपको मिल गई जहाँ पर सैलरी आपकी बड़ी है, आपको पद बहुत, पोस्ट बहुत बड़ा मिला है, ये इसको शो करता है। या फिर आपने देश बदल लिया, आप कहीं और सेटलमेंट आपने ले लिया, तो ये इस चेंज को भी शो करता है। मीन्स
कोई भी चेंज हो, बड़ा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, तरक्की की तरफ इशारा देता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 में तरक्की मिली आपको, देन आफ्टर 38.5 39 के आसपास बहुत बड़ी तरक्की मिलती हुई दिख रही है। फोर्टी टू में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी उपलब्धि 42 में आपको मिलते हुए दिख रही है। ये 42 मतलब 41.5 है, तो हम 42 मान के चलते हैं इसको। और सेम चेंज अगेन फिर आता हुआ दिख रहा है 48.5 के आसपास। यहाँ भी आपकी लाइफ लाइन को एक नया डायरेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है और ये बहुत बड़े चेंज को शो कर रहा है। ये 56 या 54 के बाद से थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो एक काम कीजिएगा, जब आप 50 प्लस हो जाएंगे तब उस वक्त आप हनुमान चालीसा, बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है बट थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा मंगलवार को या शनिवार को, क्योंकि दो दो दिन करने की आवश्यकता नहीं है और अभी से करने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं है, थोड़ी बहुत हैं। और मुझे ये ज़्यादातर आपके वो हार्ट को लेकर के लग रहा है कि हो सकता है उसको लेकर के कोई प्रॉब्लम हो सकता है बीपी की कोई समस्या हो उस वक्त उस एज में जा करके, तो उस तरह की समस्या बनती हुई दिख रही है। यदि आप निजात पाना चाहते हैं, वैसे तो आजकल सभी को इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको वो भी प्रॉब्लम ना हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा मंगलवार को या ट्यूसडे या सैटरडे, शनिवार को आप 50 के जब हो जाएंगे या 45 के तब करना, अभी करने की आवश्यकता नहीं है। मून माउंट पे क्रॉस का साइन बन रहा है, मून माउंट पे क्रॉस के साइन का पाया जाना आपकी नकारात्मक विचारधारा को बताता है। ऐसे लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, जिस वजह से नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी हो जाती है और अवसाद यानी डिप्रेशन में जाने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी ये क्या होता है ना, ये 6 माह में डेवलप हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब बचपन से आपके हाथ में ये साइन होते हैं। ये साइन हो गया, राहु की लाइंस हो गई, ये सब आपके कर्मा के ऊपर रहता है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो 6 माह लगातार आपको क्या करना है, अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी होने लगे या आपको लगे कि अब शायद मैं ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा हूँ लाइफ में, तो उस वक्त अपने आप को बिज़ी रखिए, क्योंकि दिमाग खाली नहीं रहेगा तो नेगेटिविटी बढ़ेगी नहीं दिमाग के अंदर। तो जितना हो सके अपने दिमाग को बिज़ी रखने की कोशिश कीजिएगा पढ़ाई में या जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आती ही है जाने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं आता है, ना तो सुख रहता है। हाँ सुख तो रह जाता है, कभी कभी मैंने बहुत से ऐसे लोगों की लाइफ में देखा है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में शायद 1 या 2 प्रॉब्लम देखी होंगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो सुख तो टिकता है, लेकिन दुख जब भी आता है तो वो जाने के लिए आता है। सुख आपका होस्ट है और दुख आपका गेस्ट है, तो गेस्ट परमानेंटली रहता नहीं है, आया है तो जाएगा, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्क्वायर के साइन का पाया जाना, ट्रायंगल का पाया जाना मून माउंट के नज़दीक फॉरेन इनकम के तरफ इशारा करता है, विदेशी धरती से संपर्क तो बनेगा आपका। ये लोग जिनके भी हाथ में होती है, नेचर से इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहता है। क्या आपको आभास होता है क्या, जैसे कोई भी घटनाएं हो रही हैं? ये लाइन पता नहीं क्यों इस बीच में मुझे 2-3 हाथ में दिखाई दे रहे हैं। और होता क्या है कि कभी कभी कुछ साइन आप डिस्कवर करो तो वो साइन मेरे साथ, ये प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, अच्छी बात है ये, वो साइन मुझे लगातार दिखने लग जाते हैं फिर आपके हाथ में है। क्या आपको कभी ऐसा होता है कि कोई घटनाएँ होने वाली हैं तो आपको पहले से ही उसका
थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, आभास हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि होता होगा आपको, आपके अंदर शक्ति है वो, यानी कुछ अच्छा होगा तब भी आपको पता चल जाएगा, कुछ बुरा होगा तब भी आपको पता चल जाएगा। ये इंट्यूशन लाइन है, ये जिनके भी हाथ में होती है ये भविष्य को महसूस कर सकते हैं, आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे कहते हैं इनडायरेक्टली, आप देख सकते हैं। माइंड लाइन आएगी यहाँ पर, हॉट लाइन आएगी यहाँ पर, ये हो गई लक लाइन 35 41 41 में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई नया काम आप इनिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी एक नई धन रेखा स्टार्ट होते हुए दिख रही है जो काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये मेहनत बहुत करवाएगी बट पैसा बहुत देगी। दुश्मनों की संख्या तो है, काफ़ी अच्छी खासी है, हमेशा आपके पीछे, आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। एक अच्छी बात क्या है कि हाथ में एंजल्स लाइन है, ये प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है, समस्याओं से बचाता है, प्रॉब्लम से बचाता है। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, या प्रॉब्लम तो राहु के रूप में ही आती है ना, जैसे मान लीजिए काटा है इसने, अब हाथ में राहु की लाइन नहीं है, एंजल्स लाइन नहीं है, और राहु की लाइन ने डायरेक्टली आपकी लाइफ लाइन को कट कर दिया, तो 100% ये नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि डायरेक्ट इसने अटैक किया है। लेकिन जैसे ही एंजल्स लाइन को क्रॉस करते हुए यदि ये जाता है, तो कभी कभी यदि एक से ज़्यादा, जैसे आपके हाथ में है एंजल्स लाइन मौजूद होती है, तो आधे रास्ते में ही इसकी पावर ख़त्म हो जाते हैं, आप तक पहुँच ही नहीं पाती है समस्या। इसीलिए एंजल्स लाइन को अच्छा कहा जाता है, ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है आपके ऊपर, और ब्रह्मांड की कोई ना कोई पवित्र ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहती है, आपको प्रॉब्लम से, समस्याओं से बचाने के लिए। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, जिनकी भी लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे लोगों का मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता है, चाहे वो टाइम को लेकर के हो, पैसे को लेकर के हो, या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर के हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। यदि ये किसी को टाइम देते हैं तो टाइम पर पहुँच नहीं पाते, समय का उतना महत्व ये नहीं दे पाते हैं। ऐसे इनके मन में होता है कि मैं समय का को रिस्पेक्ट देता हूँ, बट जब आप किसी को समय देते हैं कोई भी किसी भी बात को लेकर के मिलने के लिए, तो आप बिल्कुल भी सामने वाले के समय का सम्मान नहीं करते हैं, आप देरी से पहुंचते हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट के अभाव को शो करता है। कोई ना कोई काम आपके ऊपर उस वक्त आ ही जाती है। इसके साथ ही पैसे की बात की जाए, वो भी सही से नहीं हो पाता है, मनी मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है इनका। आप कितने भी पैसे इनके हाथ में दे दीजिए और घर चलाने की बात हो, या उस पैसे को पूरे मंथ चलाने की बात हो, तो ये गारंटी नहीं है कि वो पैसा इनके हाथ में टिक जाएगा। कभी भी इनको महसूस होगा कि नहीं, अभी चलो ठीक है, अभी खर्च कर लेते हैं, कल का कल देखा जाएगा, ये वाला थोड़ा इनका रवैया रहता है। इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा इनका नहीं रहता। डॉक्यूमेंट की बात की जाए, तो कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी रख देते हैं और भूल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यदि आप मैनेज तरीके से चीज़ों को नहीं रखेंगे तो भूलना तो प्रवृत्ति है, आदत है इंसान की, और जब वक्त आता है उस डॉक्यूमेंट का, काम आता है, तो वो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा नहीं रहता। लो सेट बहुत ज़्यादा है, नीचे की तरफ आपकी लिटिल फिंगर बहुत शिफ्ट हो गई है। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके शब्दों का चयन, आपकी भाषा उतनी अच्छी नहीं होती है, शब्द सही से आप नहीं चुन पाते हैं। कोई भी बात किसी को बतानी हो, समझाना हो, या अपने आप को डिफेंड करना हो, वहाँ पर जिस तरह से आपको अपनी बात एकदम सटीकता के साथ कम शब्दों में रखना होता है, वो आप नहीं रख पाते हैं। आप स्टार्ट करते हैं बताना बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन जब बात एंड होती है तब आपको भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैं कहना क्या चाह रहा था, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप। और सामने वाला भले आपकी फैमिली के लोग हों, लेकिन आपके सही वर्ड्स के नहीं,
चुनने के कारण वो भी आपको गलत समझ लेते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि हमेशा गलतियाँ आपकी ही मानी जाती हैं जब भी एक्सप्लेन करना होता है आपको, तो एक तरह से फैमिली से भी आपका मनमुटाव हो जाता है और कभी कभी दूरियाँ भी बन जाती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। हथेली में कलाई पर, क्योंकि मणिबंध के पास तो नहीं है लेकिन कलाई के पास है मूल का साइन, तिल का पाया जाना आपको ईमानदार बनाता है। ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं। आपके लेफ्ट पाम में भी जुपिटर के माउंट स्पेस बहुत कम मिला है, तो फैमिली लाइफ ऐसे भी अच्छी नहीं रहती है। हार्ट लाइन की स्थिति बहुत ख़राब है, तो इसने भी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब तो किया है। आपके हाथ में जॉब से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग साइन है बिजनेस के माध्यम से सफलता पाने के, बट उसके लिए एक सर्टेन एज है, जैसे 41 एंड हाफ, उसके बाद ही, उससे पहले नहीं। आपका पैसिव हैंड आपके एक्टिव हैंड से वीक है, तो कर्म आपका बहुत सही है इसीलिए सफलता आपको अधिक मिलेगी। लाइफ पार्टनर लुपेस देखने में काफ़ी अच्छी हैं आपकी फैमिली, ठीक ठाक फैमिली में शादी हुई है, अच्छी खासी फैमिली है, खाती पीती फैमिली है। ब्रांचेस निकल रहे हैं, स्टार्टिंग में झगड़े होते हैं, जब स्टार्टिंग में ब्रांचेस निकलते हैं ना तो स्टार्टिंग में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है, आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, किसी भी पॉइंट को लेकर के झगड़े होते रहते हैं, बट एक सर्टेन इसके बाद एक दूसरे की बात को समझने लगेंगे आप लोग। ये समस्या बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलने वाली है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि 38 के बाद से ही लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी और प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगी, पर्सनल लाइफ को लेकर के इशूज ख़त्म हो जाएंगे। हेल्थ वाइज इशूज़ आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, तो तकरीबन ये 54-55 के आसपास, उससे पहले नहीं, उससे पहले लाइफ बहुत अच्छी है। रेमेडीज़ के तौर पे अभी नहीं, लेकिन 45 या 50 के जब आप हो जाएंगे तब आपको मंगलवार को या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पैसे आएंगे सही अमाउंट में आएंगे, हाँ मेहनत अधिक लगेगी आपको, बट पैसा ठीक ठाक आएगा और 38 से सही मायने में एक अच्छे खासे काम की शुरुआत होते हुए दिख रही है। 37 से इनफैक्ट कोई बड़ी सफलता आपको मिलेगी। इसके बाद मैरिज लाइफ में ऑब्वियस सी बात है, जब आपका जुपिटर का अमाउंट सही नहीं है, हार्ट लाइन आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, टूट टूट के चल रही है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इस प्रॉब्लम के बावजूद भी पर्सनल लाइफ आपकी उतनी बुरी नहीं है, नहीं होगी, क्योंकि हार्ट लाइन आपकी सिंगल लाइन की बनी हुई है, तो मैरिज आपकी टिक जाएगी। बट आप यदि चाहते हैं कि 37 से पहले भी की भी जो ये 3 या 4 साल बचे हैं ये अच्छे से गुजरे, तो जुपिटर के नंबर डेज आपको करने हैं, अदरवाइज़ 37 के बाद से लाइफ आपकी, पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।